रोज रोज एक ही जैसा काम कर करके हम सभी बोर हो जाते हैं। तो क्यों ना कुछ अलग किया जाए, कुछ हटके किया जाए, जिसमें समय भी कम लगे और हमारा काम भी बहुत आसान तरीके से हो जाए। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ छाया और आपके अपने चैनल छाया रसोई में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा की तरह कुछ खास टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ, जिसमें आपका एक भी रुपया लगने वाला नहीं है। घर बैठे आप इन टिप्स और ट्रिक्स को अपना सकती हैं, अपना ढेर सारा समय और पैसे भी बचा सकती हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले हर बार की तरह कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि इस चैनल के वीडियोस आप किस शहर या फिर किस गाँव से देख रहे हैं। तो चलिए आज की हम देख लेते हैं सबसे पहली टिप। हम सभी सफर पर तो जाते ही रहते हैं और सफर पे जाते समय इस तरह का चाकू ज्यादातर लेडीज अपने पर्स में रखती ही होंगी। मैं भी इस तरह का फोल्डिंग वाला चाकू अपने पर्स में रखे रहती हूँ, क्योंकि अचानक से कभी होता है ना कि कुछ फ्रूट काटना है, कोई फ्रूट हम ले लिए या फिर घर से ही लेकर गए हैं तो उसको काटना पड़ जाता है। तो इस तरह का फोल्डिंग वाला चाकू अपने पर्स में रहता है तो अच्छा रहता है, जब भी मन किया तो इसका यूज कर लिए। और फोल्डिंग होने की वजह से इसको हम पर्स में, बैग में कहीं भी रख देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। ना ही पर्स कटने का डर होता है, ना ही इसके हाथ में लगने का डर होता है। अब अगर आपके पास फोल्डिंग चाकू नहीं है, आपको कहीं सफर पर जाना है, चाकू रखना है जिससे कि रास्ते में आपको चाकू का जरूरत पड़ जाए फ्रूट वगैरह कट करने के लिए, या जहां भी जा रहे हैं होटल वगैरह में तो वहां भी कुछ कट करना पड़ सकता है, तो इस तरह का चाकू रख कर ले जाते हैं। तो इसमें यह होता है कि बैग में या पर्स में कहीं भी रखते हैं तो वो फटने का डर होता है, चाकू लग जाता है, फटने का डर होता है। दूसरा, चाकू को निकालते और रखते समय हमारे हाथों में भी लग सकता है, जिसकी वजह से हाथ भी कट सकता है। तो अगर आप इस तरह का चाकू लेकर जा रही हैं तो फिर क्या कीजिए, लीजिए सेलो टेप और सेलो टेप को इस तरह से थोड़ा सा लंबे में लीजिए और चाकू के इस कोने से ऐसे करके इसको बंद कर दीजिए। ये देखिए, जितनी दूर चाकू का धार है ना उतनी दूर आप इसको ऐसे करके बंद कर दीजिए, इस तरह से सेलो टेप से बंद कर दीजिए। फिर ये चाकू आपका शार्प नहीं रहेगा, ये देखिए काफी रफ हो जाएगा। तो इसको आप बैग वैग में भी रखेंगी तो ज्यादा लगने का डर नहीं रहेगा, और हाथ हाथ में भी अगर कहीं लग गया भूले भटके तो फिर हाथ के कटने का भी डर नहीं होता है। ये देखिए, बस अच्छे से इस पर सेलो टेप चिपका दीजिए। अगर ज्यादा धार वाला चाकू है तो आप चाहे तो दो बार चिपका दीजिए। तो इस तरह से आप इसको भी सफर में या कहीं भी ले जा सकती हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट टिप है हमारी मटर स्टोर करने को लेकर। मटर स्टोर करने का आप कई सारा तरीका जानते होंगे, कई सारा तरीका देखे होंगे, लेकिन आज मैं सबसे आसान और सबसे बढ़िया तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ना ही मटर को उबालने की जरूरत है, ना ही कोई तामझाम, बस आप इस मटर को रखिए और स्टोर कर लीजिए। तो इसको स्टोर करने के लिए सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि मटर को छीलने के बाद इसमें से जो छोटे दाने के मटर हैं उसको निकाल दीजिए। कोई कटा पिटा मटर है, कहीं पे कीड़ा वगैरह है तो वो सब हटा दीजिए। एकदम फ्रेश मटर लीजिए, इसमें कोई भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं 2 किलो के मटर को स्टोर करूंगी, मतलब कि 2 किलो मटर से जितना दाना निकलता है ना वही उतना ही दाना स्टोर करके आपको दिखा रही हूँ। तो इसको स्टोर करने के लिए बस हमें चाहिए पानी का बॉटल। पानी का बॉटल नहीं है तो कुछ भी, कोई डिब्बा प्लास्टिक का है या फिर कोई भी कंटेनर है उसको ले सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स का बॉटल भी ले सकती हैं, लेकिन मैं यहाँ पर पानी का बॉटल ले रही हूँ क्योंकि पानी का बॉटल हर घर में बहुत आसानी से मिल जाता है। अब हम मटर को इस बॉटल में डाल देंगे। दोस्तों यकीन मानिए, ये टिप इतनी ज्यादा यूजफुल है कि इसको अपनाने के बाद आप दूसरे किसी भी टिप को नहीं अपनाएंगे। इस तरह से आप मटर को स्टोर करके रखेंगे तो 1 साल क्या, कई सालों तक स्टोर करके रख सकती हैं। आपका मटर बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। बस बॉटल में इसको भरते समय ध्यान रखिए कि पूरा ऊपर तक नहीं भरना है, थोड़ा सा गैप रखना है। और ये गैप क्यों रखना है अभी वीडियो में आगे बताऊंगी। तो एक तो ये बॉटल तैयार हो गया है और दूसरा ये बॉटल है, इसमें आधा बॉटल है। तो बॉटल में इस तरह से मटर भर ली हूँ। अब इसको 2 से 3 घंटे के लिए डीप फ्रीजर में रख देंगे, यानी कि इस पर हल्का हल्का आइस आने तक इसको हम फ्रीजर में रखेंगे। डीप फ्रीजर में रखने के लिए बस आपको ध्यान रखना है कि उसमें लाइट हमेशा रहे, मतलब कि फ्रीजर हमेशा ठंडा रहे। ऐसा नहीं कि 2 दिनों के लिए लाइट चली गई, आपका फ्रीजर गर्म हो गया, तो ऐसे में मटर सही नहीं रहेगा। आपका फ्रीजर हमेशा ठंडा रहे या फिर उसमें बर्फ बना रहे, तभी आपका मटर स्टोर रहेगा। बस आपको यही ध्यान रखना है। बाकी आप इसको पानी वाले हाथ से निकालिए, सूखे हाथ से निकालिए, किसी भी तरह से मटर को निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है।
तो इसको मैं अभी डीप फ्रीजर में स्टोर कर दे रही हूँ, फिर आपको 2 से 3 घंटे बाद दिखाऊंगी। तो ये देखिए, करीब 2 से 3 घंटे बाद मैं इसको निकाली हूँ और आपको दिख रहा होगा कि इस पर हल्का हल्का आइस आ गया है। अब 2 से 3 बार इस तरह से बॉटल को हम शेक कर देंगे जिससे सारे मटर के दाने अलग अलग हो जाएं, एक में चिपके नहीं। तो बॉटल में हम थोड़ी जगह छोड़े थे इसीलिए, जिससे कि मटर अच्छे से शेक हो जाए। अगर पूरा ऊपर तक भर देते तो इसको शेक करने में दिक्कत होती। तो इस तरह से शेक करने के बाद फिर से हम इसको डीप फ्रीजर में रखेंगे। तो इससे क्या होगा, मटर के सारे दाने अलग अलग रहेंगे, तो जब भी हमें मटर की जरूरत होगी तो बॉटल से आसानी से इसको निकाल सकते हैं। और इसको बिना शेक किए ऐसे ही रख देंगे फ्रीजर में, तो सारे मटर के दाने एक में चिपक जाएंगे, मतलब कि जो आइस इसमें बनेगी ना उससे सारे मटर के दाने चिपक जाएंगे। फिर आपको इंतजार करना पड़ेगा, थोड़ा सा जब ये नॉर्मल होगा तब आप इसमें से मटर निकाल सकती हैं। लेकिन इस तरह से 2 से 3 घंटे के लिए पहले फ्रीजर में रखेंगे, फिर शेक करके दानों को अलग कर लेंगे और उसके बाद फिर से डीप फ्रीजर में स्टोर करके रख लेंगे। तो ऐसे स्टोर करेंगे तो आपका मटर 1 साल क्या कई सालों तक स्टोर रहेगा। एक कटोरी में लेंगे सरसों का तेल और इसको 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे फ्रिज में। 15 से 20 मिनट के लिए जब हम इसको फ्रिज में रखेंगे और बाहर निकालेंगे तो अगर इसके ऊपर व्हाइट कलर की कोई परत आ जा रही है, इसका मतलब हमारा सरसों का तेल असली नहीं है। अगर तेल में कोई भी परत नहीं आ रही है, जिस तरह से आप फ्रिज में रखी है उसी तरह से है, तो इसका मतलब तेल असली है, इसमें कोई भी मिलावट नहीं है। तो इस तरह से आप भी सरसों के तेल की पहचान कर सकती हैं कि असली है या फिर नकली। जब भी हम किसी चीज को मिक्स करके पराठे बनाते हैं, जैसे कि मूली, गोभी, मेथी, पालक, कोई भी चीज आटे में अगर मिक्स करके पराठे बनाते हैं, तो वो पराठे किसी किसी से गोल नहीं बनते हैं। तो अगर आप भी किसी चीज को मिक्स करके पराठे बना रही हैं, आपसे पराठे गोल नहीं बन रहे हैं, तो इस टिप को आप भी जरूर अपनाएं। जैसे कि मैं यहाँ पर थोड़े से बथुए की पत्ती डाल दी हूँ आटे में, अब इससे पराठे बना रही हूँ। तो लोई जैसे हम लेते हैं रोटी की, पराठे की उसी तरह से लेंगे और जैसे थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर इसको बेलते हैं उसी तरह से बेलेंगे। जब थोड़ी सी रोटी बड़ी हो जाए तब फिर कोई इस तरह का कटोरा या फिर ग्लास कुछ भी ले लीजिए, थोड़ा सा बड़ा लीजिए और उससे इस तरह से कट कर दीजिए, तो जो इसकी किनारी है, जो टेढ़ा मेढ़ा साइड है, वो कट होकर निकल जाएगा। अब बीच में इस तरह से गोल भाग बचेगा, इसको हाथ से बराबर कर लीजिए, फिर से अपने अनुसार सूखा आटा लगाकर इसको जितना मोटा या जितना पतला रखना है उस तरह से बेल लीजिए। तो इस तरह से अगर आप किसी भी चीज को मिक्स करके पराठे बनाएंगे तो आपके पराठे भी बिल्कुल गोल गोल बनेंगे। तो दोस्तों, आपको इसमें से कौन सी टिप ज्यादा पसंद आई और कौन सी पहले से पता थी, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरह से और भी ज्यादा यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स देखने के लिए, साथ ही साथ हमारे यूट्यूब फैमिली में शामिल होने के लिए, बिना देरी किए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बहुत बहुत थैंक यू।